हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपडेट है वो है जो सरिस्ताबाद से फोर लेन आ रही है ये मसौढ़ी के साइड में, यहां पे एक जंक्शन टाइप का है, मतलब ये SH1 है। और ये जो है कि सरिस्ताबाद से जो आ रही है फोर लेन बेऊर सरिस्ताबाद, और ये दोनों जा करके यहाँ आकर के अटैच हो जाएगी। तो मैं इसी का अपडेट दे रहा हूँ, ये सीधे चले जाइएगा, तो ये सीधे आप गया चले जाइएगा गया, और इस साइड सीधे चले जाइएगा तो आप पटना पहाड़ी पे बेलदारी चक होते हुए चले जाइएगा या संपत चक होते हुए बस स्टैंड, और इससे जाइएगा आप तो आप मीठापुर साइड, मतलब जाने के लिए तो आप किसी से भी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट जो जगह है इससे आप मीठापुर मोहली जो रोड है उसको क्रॉस करते हुए आप जो है कि पटना जा सकते हैं। जब सरिस्ताबाद का रास्ता निकल जाएगा तो फिर उससे बेऊर निकल के फिर NH पे चढ़ जाइएगा आप, जो कि आपका निसाबाद में निकलेगा। तो और ये जो रोड देख रहे हैं आप तो ये मेन स्टेशन की ओर चली जाती है, तेलंगाना स्टेशन की, और मैं इसी का अपडेट दे रहा हूँ। तो चलिए देखता हूँ क्या पोजीशन है, क्या वर्क अपडेट है और कहाँ तक कैसे हमें अपडेट देना है। तो ये जो आप फोर लेन देख रहे हैं ये ग्रीनफील्ड फोर लेन है, और वो जो है वो ब्राउनफील्ड है, मतलब वो जो पुराना SH है उसी को एक्सटेंड कर करके, उसी को बढ़ा के, उसी में खर्च कर करके उसे फोर लेन बना करके, वो वैसा ब्राउनफील्ड वो फोर लेन होता है जिसमें कि पुराने रोड को ही बढ़ाया जाता है, उसे चौड़ीकरण किया जाता है, और ग्रीनफील्ड वो रोड होती है जिसको कि एकदम नए तरीके से बनाया जाता है। तो ये जो देख रहे हैं ये ग्रीनफील्ड रोड है, कुछ दूरी तक, पूरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ दूरी तक, फिर कुछ दूरी तक ब्राउनफील्ड है। फिर जहाँ मैं मीठापुर मोहली का अपडेट दिया था तो वहाँ से मैं बताया था कि ये सरिस्ताबाद से होकर आ रही है, तो उसी तरीके से फिर वो भी ग्रीनफील्ड है, फिर कुछ आगे तक ग्रीनफील्ड है, इस तरीके से ये है। तो मैं उसी का अपडेट दे रहा हूँ, और चलिए अब मैं इसका भी चल करके ही अपडेट देता हूँ, और इस साइड से मैं ले करके आ रहा हूँ आपको। तो फिर से दिखा दूँ कि मसौढ़ी का जंक्शन फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि यहाँ से 3-4 रूट मिलेंगी, एक ये सरिस्ताबाद वाला मिलेगी, एक SH मिलेगी, एक अंदर शहर से जो आएगी वो मिलेगी, वो ऑलरेडी उस साइड से रोड आ रही है। चलिए देखता हूँ आगे का वर्क प्रोग्रेस, क्या यहाँ का अपडेट है, कैसा रोड है। हालाँकि रोड की हाइट की बात करूँ तो अच्छी खासी हाइट है, अगर इसकी हाइट की बात करूँ तो अप्रोक्स 5 मीटर प्लस है, मतलब 15 फीट से ज़्यादा ये रोड की हाइट है। और चौड़ी की बात करूँ तो एक तरफ का 7 से 8 मीटर की चौड़ीकरण है, और इसकी डिवाइडर की बात करूँ तो लगभग 1 मीटर का डिवाइडर है। और ये फोर लेन एक्सेस कंट्रोल फोर लेन नहीं है, एक्सेस कंट्रोल का मतलब हो गया कि गाड़ी जब एक बार चढ़ गई तो फिर टर्निंग के लिए आपको लेफ्ट या राइट से टर्न लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है कि एक्सेस कंट्रोल है, क्योंकि देख सकते हैं कि बीच में डिवाइडर को कट कर दिया गया है, कोई भी गाड़ी वगैरह आराम से ये हिल सकती है। तो चलिए देखता हूँ अपडेट के माध्यम से मैं कहाँ तक आपको अपडेट दिखा सकता हूँ। तो जो बेऊर साइड या सरिस्ताबाद से जो आ रही है उसका वर्क जो है कि यहीं तक है, ये 23 या 24 किलोमीटर पर मैं आ चुका हूँ डेटा साइड से। तो इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर भी अभी वर्क चल रहा है, तो शायद आगे में एक क्रॉसिंग है, तो रेलवे भी क्रॉसिंग हो सकती है या रोड की क्रॉसिंग हो सकती है, क्योंकि दूर से तो हमको सरिया दिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर रोड को नहीं बनाया गया है कि क्रॉसिंग होगी तो पुल पुलिया होगा, पुल पुलिया होगा तो फिर यहाँ पर रोड बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, मिट्टी भर करके और उसे फिर अप्रोच रोड के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। तो चलिए देखता हूँ कि आगे का क्या वर्क प्रोग्रेस है। तो आगे में यहाँ पर काम हो रहा है जो कि आप बेहतर देख रहे हैं, तो चलिए देखता हूँ और आगे कुछ ही दूर चल कर, क्योंकि गिट्टी JCB से काम हो रहा है, ट्रक पर लोड किया जा रहा है, अब ये कहाँ जाएगा ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन आगे काम चल रही है। तो देख सकते हैं आप कि गिट्टी का पहाड़ बनाया हुआ है, गिट्टी तोड़ करके, मतलब गिट्टी का जो चूरन जो रोडों पे बिछाया जाता है और वहाँ जो है कि वो गाड़ी पे लोड हो रहा है, और इस तरीके से मैं आपको पूरा अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं ये रोड पकड़ करके लोग सीधे जो है कि SH1 पे चले जाते हैं, और फिर उसी तरीके से SH83 पे या फिर गया साइड भी जा सकते हैं, और इस तरीके से ये स्टेशन जाती है। तो रोड थोड़ा सा बिजी है इसीलिए जो है कि यहाँ पर पुल पुलिया बनाया जा रहा है और काम चल रहा है। चलिए देखता हूँ, अब तो धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, तो अभी ये लास्ट रिकॉर्डिंग रहेगा। और ये अंडरपास की भी चौड़ाई 50 मीटर से कम नहीं होने वाली इस साइड से लेकर के और इस साइड तक, लेकिन चलिए देखता हूँ आगे का क्या काम है। और चौड़ाई की बात करो तो कम से कम 40 मीटर ये चौड़ा है, और लंबाई की बात करो तो 50 मीटर कम से कम ये होने वाला। इस तरीके से रोड अहद ये JSP Pro Private Limited इसका काम कर रही है, जो कि आप बेहतर देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से। फिर ये रोड जो है कि सीधे यहाँ पे भी नाली लिए काम है, इसीलिए रोड जो है कि रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, जो कि आप बेहतर देख सकते हैं। और सीधे चले जाइएगा आप तो जब डुमरी साइड चले जाइएगा, और फिर जाके सरिस्ताबाद में ये रोड मिल जाएगी। तो आगे का रोड इसलिए नहीं बना हुआ क्योंकि यहाँ पे पुल पुलिया का काम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है कि ये काम नहीं बन रहा।